नए संसद भवन में स्पेशल सत्र का शुभारंभ हुआ, नई शुरुआत हुई। लोकसभा राज्यसभा का पहला दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नरम और गरम माहौल के बीच में गुजरा। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस पर चर्चा होगी। लेकिन आज देश ने पुरानी संसद से नई संसद की ओर एक यात्रा भी देखी है। सही कहा आपने अंजना, पॉलिटिक्स से दूर आज एक और तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, जब सांसदों ने सेंट्रल हॉल से नई संसद का सफर पूरा किया। इस यात्रा की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ९ सितंबर, पुरानी संसद को अलविदा कहने का वक्त आता है और पुराने संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों का संयुक्त फोटो सेशन होता है। इसके बाद सेंट्रल हॉल में पुरानी संसद की विदाई का कार्यक्रम होता है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता भाषण देते हैं। पीएम मोदी ने भी यहां भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। इसके बाद 96 साल पुरानी संसद को अलविदा कहते हुए पीएम मोदी संसद से बाहर निकलते हैं और पैदल नई संसद के लिए जाते हैं। पीएम मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी चलते हैं, जबकि इनके पीछे लाइन में पूरी कैबिनेट से लेकर बीजेपी के सभी सांसद नारे लगाते हुए नई संसद की तरफ बढ़ते हैं। और जब विपक्ष के नेता नई संसद की तरफ चलते हैं तो अधीर रंजन चौधरी के हाथ में संविधान की प्रतिलिपि दिखती है। नई संसद के द्वार खुले रहते हैं देश के नए मुस्तकबिल के लिए, देश की नई